टमाटर काट जल्दी। अरे काटना जल्दी बाबा, जल्दी कर, चल जल्दी कर। ए बाबूले, ए रघु, इस साल वो विजयनगर के हंडी फोड़ने की रह गई ना। और नहीं तो क्या, 5,000 रुपया सीधा पानी में। अरे तो क्या हुआ, धंधा तो अच्छा चल रहा है ना। अरे बाकी की अंडी फोड़ के 14,000 रुपए ठसोगे ना। ए मंगिया, आज 1.5 फुट का सॉलिड गिरा ना ऊपर से, मेरी वजह से खटिया खड़ी होते होते बच गई। हाँ ऐसी कनपट्टी देगा ना भोपिया, साले ये नीचे से हट गया इसलिए मैं गिर गया। आया 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 आया। रघु दो पाव भेजना। अबे सालो गोविंदा खलास हो गया, काम पे ध्यान दो। ये ले रहे, दो पाव दे उसको। देता हूँ। ए शाणा, प्लेट लेके जाना। ए डेढ़ फुटिया। हाँ ये जा रहे, वो उपेल का हिसाब ले ले। ए मंगिया तू जाना, मेरी कमर दर्द कर रही है यार। ए चल जा, चल काम चोर साला, जब से नाटक देख रहा हूँ तेरा। साला तुम लोग का भी टाइम आएगा एक दिन, दिखाता हूँ। कैसे कुंडी हिला के चल रहे थे। ये चमक चल लो। आता हूँ आता हूँ सालो, फिर दिखाता हूँ तुमको चमक। क्या साहब कैसी लगी अपनी पाव भाजी? चले शाणे चल, प्लेट साफ कर। कैसी लगे पाव भाजी? ए नागेश सिगरेट पिला। आपका टोटल 220 हो गया साहब। काय के 220 रुपए बे? काय के 220 रुपए? 6 भाजी 1 खड़ा भाजी 20 पाव, 5 पुलाव 20 पापड़, वो भी सब डिस्काउंट मार के है कि नहीं साहब? हमसे पैसा लेगा? फिर ये सब आप ही ने खाया ना साहब। ये प्लेट लेके मत जा, चल पैसा मांगता है भड़वा। ओ साहब गाली काय को देता है? ए दिया गाली चल। अरे बोला भड़वा, क्या कह रहा तू? पहचान था मेरे को? अरे अपना पैसा दे दो ना, तुम कोई भी हो। ये मुन्ना नाम है मेरा, समझा? फ्रैक्चर बंडे का भाई हूं मैं। तेरे को तो इधर ही गाड़ डालूंगा, तेरी तो माँ की डांट दूंगा तेरे को। समझा भाई, छोड़ दो भाई, भाई भाई समझा, गलती होगी, समझा साले। फिर साला धंधा पानी करने का नहीं, इधर ही गाड़ डालूंगा साले। भाई अपने से पैसा मांगता है? अरे भाई तुम्हारी गाड़ी है ना भाई। भाई मैं माफी मांगता हूँ। चल माफ कर दो इसे भाई, गलती होगी, मैं पागल हो गया, ये जान दो ना भाई। हाँ चल उधर साले, चल चल। बहुत चर्बी चढ़ गई तुम लोग हैं, सब सुन के लेने मांगता है तेरे को। साला उसने मेरे को मारा और तू उसकी माफी मांग रहा है? अरे धंधे में सब सुन के लेने मांगता है। अरे फ्रैक्चर भंडिया के छोकरे के साथ पंगा कौन लेगा? तो उसके मुंह पे लिखा था क्या कि वो फ्रैक्चर भंडिया का भाई है? बोलने का ना कि भाई मैं फ्रैक्चर भंडिया का भाई हूँ, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं, भीख में दे दो भाजी पाव। अभी देख तू शांत हो जा, अगले दफा कोई नड़ेगा ना तो छोड़ूंगा नहीं, बोल के रखता हूँ। 1, 2, 3 ए डेढ़ बूढ़े भाई, तेरा बाप डेढ़ बूढ़ा है, इधर आ। रघु इसमें 70 रुपया। रघु वो विजय भैया की शादी तो रुक गई ना? अरे हटा रे, मैं बोला विजय को 2 महीना ठहरने का, फिर लड़की को लेके वन टास्क। हाँ। क्या? दे 30 रुपए उसको। हाँ। बात क्या है डेढ़ फुटिया, 2 महीने का टेंशन रहता है ये टाइम, फिर वो लड़की के माँ बाप है ना लाइन पे आ जाते क्या? और नहीं तो क्या, वो अपने 2 मालिक की कहानी छको, वो टकले केसियों के साथ भाग गए ना 6 महीने पहले, और अभी बैठी है ना घर पे आराम से। हाँ। अरे मैंने तो सुना है, लगा भी है टेम का। ये बर्थडे को ना पूरी एरिया का खबर रहता है। शाणे इधर आ। वो देख भिखारी लोग आए, देख भीख मांगे साले, जाओ 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 कुत्ते को दे दो भीख। दे दो ये सत्या, जाओ ऑर्डर लेके। ऑर्डर ले, बड़े बैरिस्टर आए ना साले, बड़ी बड़ी बातें भीख मांगे खाते। बोलो साहब क्या खिलाओ? ए नागेश क्या खाएगा? वही यार हमेशा का। एक काम कर, 2 खड़ा भाजी, 1 भाजी मक्खन मार के, 8 पाव। ए पुलाव खाएगा? हाँ पुलाव खाएगा, 2 मक्खन पुलाव। हाँ चल वट मुन्ना भाई। कल का वो शाना नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ ए ए इधर 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 गया वो कल का शाना, जा उसके बुला के लेके आ जा। छोड़ो ना साहब, गलती हो गई उससे, उसको तो अकल ही नहीं ना साहब। अबे लंगूर जितना बोला उतना कर, वरना कान के नीचे दूंगा। चल चल सब, जाने दो, गलती हो गई बेचारे से। ए चल ना जाना। या इला क्या हुआ मुन्ना भाई, ले मूड बना, जो कहते हैं ना सुन ले, ज्यादा बकवास मत कर समझा। अरे पीएला है यार, इनसे नरके कोई फायदा नहीं समझा। जा आ गया शाना। आजा बेटे आजा। क्यों बे आज पैसा नहीं मांगेगा? हाँ क्या रे, बोलती बंद हो गई, जबान कट गई क्या तेरी हरामी? अहिला क्या खुन्नस दे रहा है, देख देख मैं डर गया। मैं डर गया।
अरे आज मचमच नहीं करेगा वो दिन की तरह, बोल ना, बोल। मारता काय को है? क्या करेगा, उगड़ेगा? माँ की, अरे हिजड़े लोगो, तुम तुम्हारे दोस्त को ये खाली पीली मार रहा है और तुम लोग तमाशा देख रहे हो। क्या करेंगे वो, क्या करेंगे? साला बड़ा भाई बनता है। तू जा इसका घोट जा। जब इसे सुन रहे हैं लंगूर समझा क्या मेरे? डाल तो इसको डाल। क्या बैठे? क्या कर डाला तुम दोनों ने? कमीनो, बर्बाद कर डाला सब कुछ। शांता, तुम चुप रहो। मां, मैंने उसको मारा नहीं मां, वो गलती से मर गया मां, नहीं तो वो डेढ़ को मार देता मां। अब क्या होगा, मेरा तो पूरा करियर बर्बाद हो गया ना। तो चुप कर विजय, चल उठ, चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल। नहीं चाची, नहीं, पुलिस में जाओगे तो जान से हाथ तो बैठोगे। फ्रैक्चर बंडिया की जेब में है पुलिस, तो फिर हम लोग क्या करें? मैं तो कहती हूँ हम पुलिस में जाएंगे, सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते हैं। नहीं 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 नहीं, मेरी बात मानो, मैं जो बोलता हूँ वही करो। जाओ जाओ। अरे नहीं, रघु मेरी बात सुन, रघु सब पुलिस को बता देंगे। रुक जा बेटा, रघु। ए? अरे किशा, हे किशा, अच्छा हो गया तू आ गया यार। हाँ हाँ। देख, हम दोनों को पुलिस के हवाले कर दे यार। हाँ यार। नहीं नहीं नहीं, ये अभी नहीं हो सकता, अभी सेक्शन बहुत गर्म है और वो फ्रैक्चर बंडिया, उसके तो सिर पे खून सवार है, वो साला तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। तीन दिन से कुछ खाया नहीं पिया नहीं यार, कुछ दिन और छुपना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसे तो हम लोग मर जाएंगे यार। चलो मेरे साथ। किधर? इस मुसीबत में तुम्हें एक ही आदमी सहारा दे सकता है। कौन? विट्ठल कानिया। अच्छा किया, अच्छा किया। नीच बड़वा है साहब, फ्रैक्चर बंडिया का भाई लोग। अच्छा किया, मार दिया साहब के बच्चे को। उसको मारा नहीं विठल भाई, गलती से मर गया वो, नहीं तो वो इसको मार डालते। मेरे से क्या चाहिए? हम अपने आपको पुलिस के हवाले करना चाहते हैं। अरे बिक गई है पुलिस फ्रैक्चर बंडिया के हाथों, भाई कुछ नहीं कर सकता। पर एक चीज मैं कर सकता है, यह मामला ठंडा होने तक तुम लोग इधर रह सकता है। डरने का नहीं, हाँ डरने का नहीं, इधर तुम्हारी जिंदगी को कोई खतरा नहीं। हाँ, भूख लगी? खाना नहीं खाया तू? हाँ अरे वाह, खाना खिला इनको, जा जा। हाँ, खाना खाने का? शुक्रिया विठल भाई। शुक्रिया गायका, अच्छा किया इनको इधर लाया तू, अभी देखता उस साला फ्रैक्चर गैंग क्या करता है। सलाम अलैकुम सुलेमान भाई। हाँ वालेकुम सलाम। बड़ा अफसोस हुआ भाई की खबर सुनके। इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। आओ अंदर। नहीं, यहीं बात करेंगे। बोल। मुझे रघु चाहिए।
क्यों? क्यों क्या, ठोक देंगे साले को, खून का मतलब खून। देख बंडिया, जो हो गया वो हादसा था। लेकिन भाई तो हमारा मारा ना, इसकी तो मौत का। छोटे सुलेमान भाई, कीमत बोलो, मुझे किसी भी हालत में रघु चाहिए। देख बंडिया, रघु किसी गैंग का तो है नहीं, इसलिए बखुदा मुझे पता नहीं कि इस वक्त कहाँ है, और लोग मुझे मांडवली बादशाह बोलते हैं। मैं मौत के बदले में मौत का सौदा नहीं करता। जान बख्शनी है तो बोल। 20 लाख रुपए। हे भाई, हमारा भाई आप। 20 पेटे? अरे उसके माँ बाप कहाँ से देंगे? उसके माँ बाप की कौन बात कर रहा है? तो विठल काणे देगा। विठल कानिया, वो क्यों देगा? अक्की बम्बई में एक ही चैसा आदमी है जो उसे आसरा देगा। तो जाके बोलो उस काण्या से, अगर उस कुत्ते की जान बचाना चाहता है ना, तो 20 लाख की तोड़पानी करे। खुदा हाफिज, चल छोटे। सवाल ही पैदा नहीं होता मांडवाली करने का। साला 20 लाख रुपया लेकर भी मार डालेगा इन लोगों को, उनका जबान में भरोसा नहीं है मेरे को। विठल, मैं हूं ना, मेरी जबान का भरोसा कर। अरे पर वो तो कुत्ता ही है। अरे 5 साल पहले मेरे पास काम करते थे, सारा मेरे ही पीठ पे छुरा भोंक के निकल गए। सवाली पैदा नहीं होता मांडवाली करने का भाई। मैं 5 वक्त का नमाजी आदमी हूँ, मेरी जबान का तो एतबार कर। भले मेरी जान भी चली जाए, इन लोगों का बाल भी बांका नहीं होगा। अभी तुम बोल रहा है तो ठीक है, मैं पैसा देता है। हाँ? तुम सोच रहे होंगे कि 20 लाख देने को मैं तैयार कैसे हूं। क्या है सुलेमान भाई, एक टाइम था कि अक्खा मुंबई पे विठल काणिया का राज था। ये दोनों मेरा वाइट देन वापस लाएंगे। नहीं। ओ, मैं साला भूल गया था, तू तो सिगरेट दारू जूता ही नहीं। अरे जिंदा कैसा रहता है? इसीलिए तो जीता हूं। शाबाश। ये मांडवाली करने की कभी है? परसों रात को। किधर? कैफे ब्रिटानिया। तो पानी कम। चार। पानी कम। लेकिन विठल कान्या भी तो एक खूनी है ना, गुंडा है, और रघु उसके साथ है, उसके साथ। अभी तो ऐसे ही होना है, मैं पहले से ही जानता था। देखो विजय, जो कुछ भी हुआ है उसमें रघु का कोई कसूर नहीं है। क्या कसूर नहीं? मैंने सुना है विठल कान्या रघु और फ्रैक्चर बंडे में सुलह करने वाला है, और रघु खुद ही अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा। कब हो रही है सुलह? आज रात को। रघु, बंदूक तो वो टेबल के नीचे लगाई है, हमें यहाँ क्यों बिठाया? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। सलाम अलैकुम। सलाम। अरे भाई। हाँ देख लो देख लो, कुछ सामान नहीं लगाया। हाँ। नहीं भाई, उन लोग को इधर बुलाओ। ठीक है। क्या हुआ? पूरे 20 लाख है। रख लो तुम। हा? मुझे पैसे नहीं, ये दोनों चाहिए। दे बांडिया, देख उस दिन तूने जबान दिया था ना, आज तोड़ रहा हूं, उखाड़ लेगा कोई। बंडिया मेरी जबान का क्या? हमारे भाई के जान से ज्यादा है। तो बहुत गर्मी है तुम्हारे खून में कुत्तो। क्या है भाई? भाई गलती होगी भाई, माफ कर दो भाई। चुप, आज उतार देता हूं तुम्हारी गर्मी।
क्यों फट गई? अपनी मौत सामने देख के फट गई? मेरे भाई को मारा ना तुम लोग ने, शाने लोग। क्यों बात करके टाइम खराब कर रहा है? ठोक देना इनको। रघु मेरी बात समझ, तो मैं कह रहा हूं उसे साफ साफ समझ, वो सब लोग जो कुछ भी करते हैं उनका किसका चुना मत मुझे, मैं खुद हूँ, छूना मत मुझे, मुझे पुलिस का अवेल कर दो। अरे मार डालेंगे वो तेरे को। अरे तो क्या फर्क पड़ता है? अरे मैं खुद हूँ, नहीं छूना मत मुझे, छूना मत मुझे। चुप। अरे तू नहीं मारता था, वो लोग मार डालते तेरे को। क्यों नहीं? तू पी। मैं पीता नहीं। पी इसको। पी चल। अगु पी ले इसको। दवा है रे। पी ले। पी ले। गर्भवत्यै निरूपितम् चक्रव्यूह प्रवेशस्य रहस्यं चाकुतं वितर्त्य अभिमन्युस्थितो गर्भे दिव्यज्ञानयुतो शृणो रहस्यं चक्रव्यूहस्य सम्पूर्णं न स ज्ञातवान्।